हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बच्चों का बहुत मनपसंद केवल 10 मिनट में बनने वाला चोकोलावा केक। और बिल्कुल डोमिनोज वाला चोकोलावा है, जैसे खाते हैं बच्चे वैसे ही स्वाद है। और इतनी आसान रेसिपी है कि इसको कोई भी बना सकता है। तो इंग्रेडिएंट हमने निकाले हैं और इंग्रेडिएंट ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। हाँ, डार्क चॉकलेट ज़रूर रख लें पास में, और बाकी के इंग्रेडिएंट हम साथ में रेसिपी के आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को मिला लेंगे। और ये 1 कप मैदा है और 1/2 कप पिसी हुई शक्कर है। और इसके अलावा ड्राई इंग्रेडिएंट में जाएगा कोको पाउडर। कोको पाउडर 1 बड़ा चम्मच ले लें। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी बस नमक। नमक ज़रूर डाल दें। नमक डालने से क्या होगा कि चॉकलेट का फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस रहता है। और चॉकलेट केक में सॉल्ट ज़रूर डालना चाहिए, इससे चॉकलेट का टेस्ट भी उभर के आता है। तो हमें क्या करना होगा कि ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। और दूसरी साइड में मैंने दूध को उबलने के लिए रखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि डार्क चॉकलेट लेंगे। ये 400 ग्राम का ब्रिक है और इसमें से हम 1 पीस निकाल लेंगे, यानी कि 100 ग्राम रहेगा ये। और अगर डार्क चॉकलेट आपको कंपाउंड नहीं मिलता है तो आप कोई भी डार्क चॉकलेट जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो ले लें। ये बेसिकली डार्क कंपाउंड है जिससे कि हम चॉकलेट बनाते हैं। और इसमें हम डालेंगे बटर। बटर ये ऑलमोस्ट 50 ग्राम होगा, और अगर स्पून में आप नापें तो 3 चम्मच होंगे ये बड़े। और दूध हमने 1 कप लिया है और दूध बहुत गर्म है। तो गर्म दूध जब हम चॉकलेट में डालेंगे तो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, और अगर आप गर्म दूध नहीं डालिएगा तो आपको चॉकलेट अलग से मेल्ट करनी होगी और फिर उसमें दूध ऐड करना होगा। तो ऐसा करने से प्रोसेस थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। और 2 मिनट बाद ही आप देखिएगा कि चॉकलेट पूरी गल गई है। और अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी है। तो हमें इसमें बस मिक्स करना होगा। दूसरे साइड में मैंने ओवन को भी ऑन कर दिया है 180 डिग्री पर। और ओवन प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कढ़ाई में रख रहे हैं बेक होने के लिए तो कढ़ाई को भी रख दें गर्म होने के लिए, और उसमें नीचे तश्तरी रख के फिर हम केक को बेक कर लेंगे। तो ये चोकोलावा केक को हम छोटे छोटे बाउल में या स्टील की कटोरी में या मफिन मोल्ड्स जो आते हैं उसमें बेक करते हैं, तो सर्व करने में आसानी रहती है। और बस अच्छे से इसे मिक्स करें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। और इसमें हम कटोरी में बटर लगा लेंगे और ये हमारा जो केक का बैटर है इसको फिल कर लेंगे। ये चोकोलावा केक की रेसिपी इतनी आसान है कि बच्चे जब भी केक खाने के लिए कहते हैं मैं फटाफट से बना लेती हूँ, और गर्मा गर्म ही इसे बच्चे खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बाउल को रखा था, और उसके बाद आप देख सकते हैं 10 मिनट ही लगा था, 10 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से पक गया है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। दूसरी बार में मैंने ये मफिन मोल्ड्स को बेक कर लिया था और केवल 8 मिनट्स लगा था इसको बेक होने में। तो एक को कट करते हैं और ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और ये थोड़ा जब गर्म रहता है तभी इसको खाने में मज़ा आता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।